हेलो फ्रेंड्स मैं गीता मेलवान स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नॉलेज सेंटर के आगे के क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर तीन सौ सतासी तक इस वीडियो में शुरू करेंगे तीन सौ अठासी से क्वेश्चन नंबर तीन सौ अठासी है हमारा हु कैन हु अमंग दीच कैन बी नोमिनी इन डिपोजिट अकाउंट नीमिन में से कौन नॉमिनी बन सकता है एक माइनर ऑप्शन बी है कंपनी सी हाफ डी ट्रस्ट तो आंसर है हमारा माइनर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थ्री तीन सौ नवासी नोमिनी नोमिनेशन इज एक्सेप्टेड इन करंट अकाउंट कब इन केस ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप फर्म और इंडिविजुअल ओनली अगर कोई फर्म सोल प्रोपराइटरशिप में है या फिर इंडिविजुअल में है ठीक है उसी करंट uh, अकाउंट में नोमिनेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा क्वेश्चन नंबर तीन सौ नब्बे सेक्शन फोर्टी फाइव जेड ए ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट उन्नीस सौ उनचास रिलेट्स टू किससे रिलेटेड है यह नॉमिनेशन इन डिपॉजिट अकाउंट डिपॉजिट अकाउंट में नॉमिनेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर तीन सौ इक्यानवे ए डिपॉजिटर हैज एक्सरसाइज नॉमिनेशन इन फेवर ऑफ हिज ऑफ हिज माइनर सन ही विल बी रिक्वायर्ड टू एक पर्सन ने ठीक है अपना गार्डियन किसको बनाया अपने माइनर को बना लिया है तो इसमें क्या है उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसको है अपॉइंट ए मेजर पर्सन एज गार्डियन टू रिसीव पेमेंट ऑन बिहाव माइनर इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ डिपोजिटर इस केस में क्या है उसको एक मेजर पर्सन को अपने जो नॉमिनी है ना माइनर नॉमिनी है उसके बिहाफ से गार्डियन बनाना पड़ेगा जो कि उसकी डेथ के बाद उस अमाउंट को रिसीव कर सके जो कि उस नॉमिनी के क्योंकि नॉमिनी है नॉमिनी को पेमेंट नहीं दी जाएगी उसके बिहाब से नॉमिनी के बिहाब से कोई मेजर पर्सन है जो उसका गार्डियन होगा उसको वो वो उस पेमेंट को रिसीव कर पाएगा आफ्टर द डेथ ऑफ डिपोजिटर क्वेश्चन नंबर तीन सौ बानवे नोमिनेसन फैसिलिटी रिलेटिंग टू डिपोजिट अकाउंट आर अवेलेबल इन तो किस में है ऑप्शन ए है इंडिविजुअल अकाउंट इन सिंगल नेम ऑप्शन बी इंडिविजुअल अकाउंट इन जॉइंट नेम ऑप्शन सी सोल प्रोप्राइटरशिपिपि अकाउंट ऑप्शन डी ओल तो आंसर होगा हमारा डी ओल तो क्या है नॉमिनेशन फैसिलिटी इन सभी अकाउंट में है इंडिविजुअल अकाउंट इन सिंगल नेम ओनली इसमें भी है इंडिविजुअल अकाउंट इन जॉइंट नेम में भी है और सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंट में भी क्वेश्चन नंबर तीन सौ तिरानवे नॉमिनेशन फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन विच ऑफ द फ्लोइंग अकाउंट नॉमिनेशन की फैसिलिटी है निम्न में से कौन से में अवेलेबल नहीं है ऑप्शन है लोकर अकाउंट इन जॉइंट नेम विद जॉइंट ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन लोकर अकाउंट है जहाँ पे क्या जॉइंट में है और क्या ऑपरेशन क्या है वहाँ पे जॉइंट ऑपरेशन ऑप्शन बी है सेव स्टडी अकाउंट और मोर देन वन पर्सन डिपोजिटेड जॉइंटली ऑप्शन से जॉइंट डिपॉजिट अकाउंट किस में आय दर सर्वाइवर में है तो क्या है इनमें से किस में नहीं है सिर्फ सेफ स्टडी अकाउंट है ना ठीक है और मोर देन वन पर्सन डिपॉजिटेड जॉइंटली इसमें है जो नॉमिनेशन की फैसिलिटी नहीं है लोकल अकाउंट अगर जॉइंट नेम में है तो उसमें तो नॉमिनेशन की फैसिलिटी है लेकिन सेफ स्टडी में ठीक है ना जहाँ पे क्या है मोर देन वन पर्सन है डिपोजिटेड वहाँ पे लोकल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है Sorry, वहाँ पे नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है क्वेश्चन नंबर तीन सौ चौरानवे ए टाइम डिपॉजिट वाज एक्सेप्टेड ओन पंद्रह नौ दो हजार उन्नीस फोर थ्री ईयर नो नॉमिनेशन वाज एक्सरसाइज बाय द डिपॉजिटर द डिपॉजिट वाज रिन्यूड ओन पंद्रह नौ दो हजार बट फ्रेश निनेशन वाज नोट एक्सरसाइज विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक जो टाइम डिपोजिट था ठीक है वो ओपन एक्सेप्ट किया गया पंद्रह नौ दो हजार उन्नीस को ठीक है तो क्या है तीन साल के लिए है ये तीन साल के बाद पंद्रह नौ दो हजार बाईस को रिन्यू हो गया लेकिन क्या है कि उसमें दोबारा से कोई फ्रेश नॉमिनेसन नहीं किया गया तो क्या निम्न में से कौन सा है जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन आंसर होगा हमारा नॉमिनेशन एक्सरसाइज अर्लियर विल रिमेन इन फोर्स जो शुरू में नॉमिनी बनाया गया था वही फोर्स में रहेगा वही अब माना जाएगा वही नॉमिनी रहेगा इसमें क्वेश्चन नंबर तीन सौ पचानवे इन केस ऑफ डेथ ऑफ डिपोजिटर हु हैज एक्सरसाइज नॉमिनेशन बैंक गेट्स वैलिड डिस्चार्ज बाय पेमेंट टू द क्वेश्चन पूछे हैं कि एक अकाउंट है ठीक है डिपोजिटर एक डिपोजिटर है उसका अकाउंट है बैंक में तो क्या है उसकी डेथ हो गई है डिपोजिटर की और उसने एक नॉमिनी भी बनाया हुआ अपने अकाउंट में तो क्या है बैंक किसको करेगा वैलिड डिस्चार्ज उस पेमेंट का तो नोमनी को अगर उसमें नॉमिनी है तो पेमेंट किसको होगी उसकी सा, वो सारी पेमेंट तो नोमि को हो जाएगी उस अकाउंट की क्वेश्चन नंबर तीन सौ छियानवे ए लॉकर इज लेट आउट टू वन पर्सन द लॉकर होल्डर कैन अपॉइंट जब एक पर्सन एक पर्सन को सॉरी जब एक लोकर एक पर्सन को दिया जाता है ओनली वन पर्सन को ठीक है तो लोकर में क्या है सिर्फ कितने नोमनी बनेंगे ओनली वन नोमनी क्वेश्चन नंबर तीन सौ सतानवे ए लोकर इज लेट आउट टू टू पर्सन विद इंस्ट्रक्शन आइदर ओ सर्वाइवर जब एक पर्सन को दिया जाता है लोकर तो क्या है अगर अगर एक पर्सन ऑपरेट कर रहा है तो उसमें सिर्फ एक नोमी बनाया जा सकता है क्वेश्चन तीन सौ सतानवे का है कि एक एक लोकर है वो रेंट पे दिया जाता है टू पर्सन को ठीक है टू टू पर्सन विद इंस्ट्रक्शन क्या है इंस्ट्रक्शन क्या, क्या है उसमें आइदर ओ सर्वाइवर इन द केस इस केस में नॉमिनी कितने होंगे नॉमिनेशन कांट बी अलाउड एज इंस्ट्रक्शन आर आइदर और सर्वाइवर अगर आइदर और सर्वाइवर में है तो क्या है उस लॉकर में नॉमिनी नहीं होता क्वेश्चन नंबर तीन सौ अठानवे ए लॉकर इज लेट आउट टू टू पर्सन विद इंस्ट्रक्शन टू बी ऑपरेटेड जॉइंटली और सर्वाइवर में है तो उसमें नॉमिनी नहीं होता लेकिन एक लॉकर अगर रेंट पे दिया जाता है किसको टू पर्सन को और उसमें ऑपरेशन मोड क्या है टू बी ऑपरेटेड ज्वाइंटली ज्वाइंटली है इस केस में क्या होगा नॉमिनी होंगे कितने देर कैन बी मैक्सिमम टू नॉमिनी यहाँ पर कितने होंगे मैक्सिमम टू नॉमिनी क्वेश्चन नंबर तीन सौ निन्यानवे इन केस ऑफ डेथ ऑफ डिपॉजिटर हु कैन एक्सरसाइज नोमिनेशन बैंक गैस्ट डिस्चार्ज बाई पेमेंट टू एक अकाउंट uh, है जिस ठीक है जिसमें डिपॉजिटर नॉमिनी बनाया है तो उसमें बैंक है जो सारी पेमेंट को डिस्चार्ज किसको करेगा नॉमिनी को क्वेश्चन नंबर फोर हंड्रेड इन ए टाइम डिपॉजिट अकाउंट द नॉमिनी रिक्वेस्ट द बैंक फॉर प्रीमेचर पेमेंट ऑफ द डिपॉजिट आफ्टर डिपॉजिटर डेथ इन द केस बैंक बैंक क्या करेगा क्या है एक टाइम डिपॉजिट है अकाउंट है बैंक के पास उसमें क्या है जो डिपोजिटर है उसकी डेथ हो जाती है बाद में नोमनी आके परिमेचर पेमेंट की डिमांड करता है बैंक से तो इसमें बैंक क्या करेगा बैंक क्या करेगा मे अलाउ पेमेंट एज आफ्टर डेथ ऑफ डिपोजिटर द नॉमनी इज इंटाइटल टू सिक परिमेचर पेमेंट वो इसको अलो कर देगा कि प्रीमेचर पेमेंट कर देगा नोमनी को क्योंकि जो डिपॉजिटर है उसकी डेथ के बाद सिर्फ नोमनी ही है जो अकेला है कि जो प्रीमेचर पेमेंट ले सकता है उसी का तो है ना पैसा तो ये बैंक अलो कर देगा क्वेश्चन नंबर चार सौ एक वैन ए एटरेट पर डिपॉज़िटर एक्सरसाइज नोमिनेसन इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी जब एक इलीटरेट डिपॉजिटर है वो नॉमिनी बनाता है तो क्या जरूरी है इसके लिए ऑप्शन है ऑप्शन ए वेरीफाइड बाय नोटे पब्लिक ऑप्शन बी है अटैस्टेड बाय गेजटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट तो ये दोनों ऑप्शन ट्रू हैं या तो फिर क्या है नोटरी पब्लिक के द्वारा वेरीफाई होना चाहिए या फिर गेजटेड ऑफिसर का है सेंट्रल का हो या फिर स्टेट का हो उसके द्वारा अटैस्टेड होना चाहिए क्वेश्चन नंबर चार सौ दो बैंक्स नॉर्मली डोंट ओबेन सिग्नेचर ऑफ नॉमिनी एंड At द टाइम ऑफ क्लेम by द नोमनी गेट his आइडेंटिफिकेशन वेरीफाइड थ्रू क्या है कि बैंक है जब कोई भी डिपॉजिट है जो वो अपने अकाउंट ओपन करवाने के बाद उसमें नॉमनी नहीं नॉमिनी बनाता है तो क्या बैंक नोमिनी की सिग्नेचर नहीं लेता कहीं पे नोमनी जो भी नॉमिनी होगा उसके साइन नहीं होते कहीं भी लेकिन जब उसकी क्लेम का टाइम आता है कि नॉमिनी क्लेम करता है डिपॉजिटर की डैथ के बाद तो तब क्या होता है उसकी कैसे आइडेंटिफिकेशन की जाती है बैंक के द्वारा ऑप्शन ए है ए बैंक ऑफिसर कौन या तो उसको एक बैंक ऑफिसर आइडेंटिफाई करता है ठीक है उसको वेरीफाई करता है नोमिनी को ऑप्शन बी फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट या फिर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट हो ऑप्शन सी एनी गेजिटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑप्शन डी एनी टू पर्सन एक्सेप्टेबल टू द बैंक ऑप्शन ई ऑल तो ये सभी है इनके द्वारा वेरीफाई किया जाता है नोमि को नोमनी की आइडेंटिफिकेशन है उसको इनके द्वारा ऑप्शन वेरीफाई किया जाता है ये चारों ऑप्शन ट्रू हैं क्वेश्चन नंबर चार सौ तीन क्वेश्चन नंबर चार सौ तीन वट इज द टाइम लिमिट फॉर मेकिंग पेमेंट टू द लीगल हेयर फॉर ओबेनिंग सक्सेस सर्टिफिकेट क्वेश्चन में कहा है कि आ, कोई भी अकाउंट है ठीक है उसमें डिपोजिटर की डेथ हो गई है उसके बाद उसके लीगल हेयर को जो पेमेंट करता है बैंक उस अकाउंट की ठीक है डिपोजिटर जिस डिपोजिटर की डेथ हो गई है उसके अकाउंट की जब पेमेंट लीगल हेयर को की जाती है तो उसकी लिमिट क्या है तो कितने तक की पेमेंट की जा सकती है ठीक है तो आंसर है हमारा नो अपर लिमिट नो लोअर लिमिट ठीक है न तो इसकी कोई अपर लिमिट है न लिमिट न लोअर लिमिट है जितने भी अमाउंट है उसकी पेमेंट उसके लीगल हेयर को कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर चार चार वट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर द बैंक टू सेटल द क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ ए डिस डिपॉजिटर एंड रिलीज पेमेंट टू द सर्वाइवर और नॉमिनी कैसे मैं कहें कि डिपॉज़िटर की डेथ के बाद जो डिपॉजिट का अमाउंट है उसको या नॉमिनी को देते हैं ठीक है थीके? या उसके लीगल हीयर को उनकी पेमेंट करनी है ठीक है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिमिट क्या है वो है फिफ्टीन डेज मैक्सीम फिफ्टीन डेज क्वेश्चन नंबर चार सौ पाँच फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन द सेंस ऑफ नॉमिनेशन एंड और सर्वाइवरशिप मैंडेट क्वेश्चन होगा एक अकाउंट है जिसमें डिपोजिटर की डेथ हो गई है और उस डिपोजिटर ने क्या किया है कि उसका कोई नॉमिनी नहीं है तो इस टाइप इस टाइप के सेटलमेंट में ठीक है तो कौन सा फॉर्म की जरूरत होती है वह है पी एन बी छियालीस सैंतालीस क्वेश्चन नंबर चार सौ छः इफ ऑल द लीगल हियर आर नॉट एबल टू जॉइन फॉर रिसीविंग द पेमेंट ऑफ द डिपॉजिटर डिपॉजिट डिलीवरी ऑफ आर्टिकल्स सच ऑफ दैम हु कैन नॉट जॉइन मे एक्स एग्जीक्यूट ब्लैंक इन फेवर ऑफ वन ऑफ द लीगल हेयर या फिर क्लेमेंट ऑप्शन हमारे पास ए पावर ऑफ अटोर्नी बी है प्रोफिट क्वेश्चन में कहा है कि कोई अकाउंट है उसमें डिपॉजिटर की डेथ हो गई है उसमें नॉमिनेशन तो नहीं है लेकिन उसकी क्या है तो फिर उसकी पेमेंट किसको की जाती है लीगल हेयर को ठीक है उसके सभी लीगल हेयर को ऐसे में अगर सारे जितने भी लीगल हेयर हैं उसके वो वहाँ पे, पे पेमेंट लेने के लिए नहीं आ सकते तो इस केस में क्या होगा तो पेमेंट कैसे की जाएगी तो इसमें क्या है जो नहीं आ सकता उसकी पावर ऑफ अटोर्नी या फिर प्रोबेट इन दोनों में से ये दोनों ही इनमें से कुछ भी लेंगे ठीक है और उसकी पेमेंट जिसके नाम भी होगी कि इस पर्सन को कर दो अकेले जैसे दो लीगल हीयर हैं उसके तो दूसरे के दो दूसरा नहीं आ सकता ना वो पावर ऑफ अटोर्नी या प्रो या फिर प्रोबेट देगा ठीक है उसमें होगा कि ये पेमेंट है जो इसको जो पहला है लीगल हेयर उसी को कर दो इस टाइप का पावर ऑफ अटोर्नी या फिर प्रोबेट लेने के बाद उसकी पेमेंट की जाएगी क्वेश्चन नंबर चार सौ सात डेथ क्लेम फॉर्म नंबर इन केस ऑफ नोमिनी इज अवेलेबल इन अकाउंट और लॉकर तो कौन सा फॉर्म नंबर होगा वो पी एन बी आठ सौ इकतीस जब लॉकर में ठीक है कोई अकाउंट है या लॉकर है उसमें नोमिनी की नोमिनी अवेलेबल है इस टाइम में डेथ क्लेम करनी है तो कौन सा फॉर्म नंबर लगेगा पी एन बी आठ सौ डेथ क्लेम फॉर्म नंबर है ये पी एन बी आठ सौ क्वेश्चन नंबर चार सौ आठ इफ ए लॉकर इज ऑपरेटेड बाई ए बी सी विद एनी वन और सर्वाइवर क्लोज इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ बी एक अकाउंट है ठीक है लॉकर है जो ए बी सी तीनों इसको ऑपरेट कर रहे हैं कैसे है मोड ऑफ ऑपरेशन कैसे में एनी वन और सर्वाइवर इसमें ऐसे में क्या होता है कि बी की डेथ हो जाती है तो फिर क्या होता है द अकाउंट विद ऑपरेटेड बाई तो इसके बाद अकाउंट कौन ऑपरेट करेगा आंसर है इसका ए सी बी की तो डेथ होगी ए और सी जो रह गए वो और नॉमिनी ऑफ बी क्वेश्चन नंबर चार सौ नौ वट विल बी द स्टेटस ऑफ द नॉमिनी आफ्टर द डेथ ऑफ डिपोजिटर डिपॉजिटर की डेथ के बाद जो नॉमिनी होता है उसकी स्टेटस क्या होती है वो क्या होता है ट्रस्टी ऑफ लीगल हेयर उसको सिर्फ उसके जो लीगल हेयर है उनका ट्रस्टी माना जाएगा क्वेश्चन नंबर चार सौ दस ऑन द डेथ ऑफ वन ऑफ द ज्वाइंट हेयर ऑफ़ ए लॉकर द कंटेंट ऑफ द लॉकर आर ओनली अलाउड टू बी रिमूव्ड बाय किसके तु, तु, कौन ले सकते हैं इसको इस टाइप में इस टाइप के अकाउंट में पेमेंट कर किसको होगी ज्वाइंटली बाय द नोमनी एंड द सर्वाइवर आफ्टर इन इन्वेंट्री इज टेकन किसके द्वारा जिसकी डेथ हो गई है उसका नोमिनी होगा और जो रह गए जो जीवित है पर्सन ठीक है वो सर्वाइवर ठीक है वो सर्वाइवर इन ये दोनों को ही जॉइंटली मिलेगा किसके बाद आफ्टर एन इन्वेंटर इज टेकन एक इन्वेंटर ले जाएगी उसके बाद इन दोनों को वो पेमेंट कर दी जाएगी क्वेश्चन नंबर चार सौ ग्यारह इनकेस ऑफ ए जॉइंट डिपोजिट अकाउंट द नोमिनी राइट अराइज ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ ठीक है तो क्या है क्या एक अकाउंट है जिसमें क्या है जॉइंटली डिपॉजिट है वो अकाउंट तो इस टाइम में नॉमिनी कब नॉमिनी का राइट है जो कब राइज होगा ठीक कब रोल में आएगा वो आफ्टर ऑल द डेथ ऑफ ऑल द डिपॉजिटर जब सभी डिपॉजिटर हैं उनकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद नॉमिनी रोल में आएगा क्वेश्चन नंबर चार सौ बारह है फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सरसाइजिंग पावर ऑफ पावर फॉर सेंक्शन ऑफ क्लेम इज इन डिपॉजिट अकाउंट जब ये क्लेम होता है ना ठीक है किसी भी अकाउंट का ठीक है उसकी वैल्यूएशन की जाती है तो इसके लिए क्या देखा जाएगा सबसे पहले ऑप्शन uh, हमारे पास बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन एस एफ करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो बैलेंस है उनको देखेंगे ठीक है और ऑप्शन बी डिपॉजिट अमाउंट इन एफ डी अकाउंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इंटरेस्ट को छोड़ के जो भी एफ डी में अमाउंट है ऑप्शन सी है अमाउंट डिपोजिटेड टिल द डेट ऑफ क्लेम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इन आर डी आर डी में जो भी है डिपोजिट है तो इन सबको देखा जाएगा उसके बाद इसकी सेटलमेंट की जाती है उसके बाद किया जाता है कि इसकी कितनी पेमेंट है वो नोमनी को पेमेंट कर, जा, कर दी जाती है सभी अकाउंट देखे जाते हैं क्लेम सेटलमेंट करते हुए तो फ्रेंड्स ये हमने नॉलेज सेंटर के चार सौ बारह क्वेश्चन कर चुके हैं तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे आगे के क्वेश्चन तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू हैव ए नाइट स्टे